बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, निर्दोष है, निर्दोष है। श्री योग वेदांत समिति द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन में संत आशाराम बापू की शीघ्र अति शीघ्र रिहाई व उन्हें उनकी इच्छा अनुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की गई। समिति के प्रवक्ता अंकुर अग्रवाल ने ज्ञापन में कहा कि 86 वर्षीय आशाराम बापू को झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखा गया है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति इस वक्त अत्यंत चिंताजनक है। जेल जाने से पूर्व उन्हें सिर्फ ट्राइजेमियल न्यूरोलिएजा व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय लगातार कस्टडी के तनाव युक्त वातावरण में अब उनको हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, संधिवात, रक्त अल्पता आदि बीमारियों ने घेर लिया है। तनाव युक्त वातावरण में इच्छा अनुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राणघातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों की मांग है कि देश, धर्म, संस्कृति और समाज के सर्वगीण उत्थान में संत आशाराम बापू का बड़ा योगदान है, इसलिए सरकार द्वारा बापू जी को उनकी इच्छा अनुसार यथोचित स्थान पर यथानुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार हेतु शीघ्र अतिशीघ्र राहत दी जानी चाहिए। सर, क्या प्रोग्राम को लेकर आज आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये हमारे बापू जी संत श्री आशाराम जी बापू को 11 साल से बिना किसी सबूत के, बिना किसी के, बापू जी को एक दिन के लिए भी आयुर्वेद के इलाज कराने के लिए भी पैरल नहीं दी जा रही है। बापू जी हमेशा आयुर्वेद का इलाज करते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन खुद बापू जी को एक दिन की आयुर्वेदिक इलाज के लिए भी पैरल नहीं दी जा रही है। और बापू जी एक भी प्रूफ न होते हुए भी बापू जी को 11.5 वर्ष से जेल में बंद रखा है। बापू जी एक लड़की के कहने मात्र से, जबकि वो लड़की कई बार अपने बयान बदली है, लड़की ने कई बार अपने बयान बदले हैं, और लड़की का जो कॉल डिटेल है वो 12 से 17 के बीच की गायब कर दी गई है। वो बाकी की कॉल डिटेल हमारे सामने, अगर वो कुछ गलत नहीं थी तो बीच की कॉल डिटेल क्यों गायब की गई? तो एकदम अंधा आदमी भी अगर उस केस को देखेगा, पढ़ेगा, तो पता पड़ जाएगा कि बापूजी को कितने षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। अभी हमारी सिर्फ एक दो मांग है कि बापूजी को आयुर्वेद के इलाज के लिए तुरंत पैरल दी जाए और जल्दी से जल्दी तुरंत बापूजी को निर्दोष बरी किया जाए ससम्मान। दो मांग है हमारी। आपने इस प्रश्न को लेकर किससे मुलाकात करी? ये हमने अभी DM साहब को, राष्ट्रपति जी और गुजरात के और राजस्थान के, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के और प्रधानमंत्री जी के 4 ज्ञापन दिए हैं हमने DM साहब को। उन्होंने बोला है कि आज ही हम आपके ये ज्ञापन आगे भेजेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। तो हम अभी सबसे प्रार्थना करते हैं, जहाँ चारों जगह हम वो ज्ञापन दे रहे हैं, कि हमारे बापू जी को तुरंत से तुरंत आयुर्वेदिक इलाज के लिए ज्ञापन दिया जाए और बापू जी को ससम्मान रिहा किया जाए। पूरे देश में अभी ये रैली, धरना सब चल रहे हैं। अभी आप थोड़ा लेट आए, हमारे बहुत भीड़ थी अभी यहाँ, तो अभी यहाँ भी हमारे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये जगह जगह मांग उठ रही है हमारे बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और आयुर्वेद के लिए पैरल दी जाए।